22 नवंबर की पुत्री की शादी के लिए बैंक नहीं दे रहा रुपया, कलेक्टर से लगाई गुहार। शादी रुकने की कगार पर घोटाले का दंश झेल रही जनता। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित करिया द्वारा खाते में जमा रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत आज पीड़ित ने कलेक्टर जनसुनवाई में दर्ज कराई है। साथ ही बेटी की शादी के खाते में जमा पैसों की मांग की है। जानकारी के अनुसार रामजलाल कुशवाहा पुत्र छत्तूराम कुशवाहा निवासी मड़ूरीपुरा वार्ड नंबर 1 करीरा जिला शिवपुरी ने बताया कि उसकी पत्नी राजकुमारी कुशवाहा की मृत्यु 1 सितंबर 2024 को हो गई थी, जिसके खाते में जमा रुपए उसने दस्तावेज लगाकर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। 22 नवंबर 2024 की बेटी की शादी है, इसलिए ये पैसा उसने जमा किए थे, लेकिन बैंक में घपला होने के कारण एक मुश्त राशि नहीं दी जा रही है। बैंक वाले कहते हैं कि बैंक में रुपए नहीं है। ऐसे में पीड़ित ने बताया कि बेटे की शादी 3 दिन बाद होना है, अगर शादी रुकती है तो बैंक मैनेजर और कलेक्टर को जिम्मेदार बताया है। साथ ही मांग की है कि उसके बेटे की शादी के लिए एक मुश्त राशि 2,77,000 रुपए दिलवाने की कृपा करें। धर्मेंद्र जी, आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? 22 तारीख की सिस्टर की शादी है जी, जिसमें की सहकारी केंद्रीय बैंक में पैसा जमा है, क्योंकि बार बार आवेदन लगाने पर पैसा नहीं है, बोल रहे हैं कि बैंक में पैसा नहीं है, जबकि बैंक में पैसा इसलिए जमा किया जाता है कहीं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पूछो तो बैंक आपको पैसा दे और बैंक पैसा नहीं दे देगा, उसके लिए जनसुनवाई आ रहा है। तो जी, जी आपको कहाँ पर था जी? करहरा बैंक। क्या कह रहे हैं बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं है। कितना पैसा जमा है आपका? 2,77,000 रुपये के करीब जमा है। और शादी 22 नवंबर। यदि पैसा नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? पैसा नहीं मिला तो उसके जवाबदार कलेक्टर साहब और जो भी मैनेजर है उसके जवाबदार वो, इसीलिए हम जनसुनवाई में। अभी जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने बोला है कि आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा, कुछ जल्दी है। उम्मीद है आपको मिल जाएगा? उम्मीद तो कोई नहीं लग रही है, बकाया कि 2-3 महीने से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। तो बार बार बैंक वाले क्या कहते हैं? बैंक वाले बोलते हैं कि आप अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। अभी अंदर क्या बोले? अत्यंत परेशान साहब क्या बोले? जब उनसे पूछा कि वही पैसा चाहिए हमारे लिए, तो पैसा जेब में लेके नहीं घूम रहे हैं कि आपका पैसा, क्योंकि हमारा पैसा है हमारे लिए और उसकी वजह से कोई शादी करती है, शादी रुकती है, तो उसके जवाब डॉक्टर साहब और मैनेजर वो